अब मैं आता हूं, एक अटेस्टेड कॉपी मेरे पास है इसी 219 की स्टेशन की, और इसी 219 की अटेस्टेड कॉपी जिसमें थंब इम्प्रेशन भी है और जनाब पोलिंग सीनियर प्रेजाइडिंग ऑफिसर का और असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर का, और उनका जो है वो उनका नेशनल आईडी कार्ड भी है, उनका सिग्नेचर भी है, जिसमें सुहेल मंसूर साहब को मिलते हैं 361 वोट्स। वहां पे जो अनअटेस्टेड कॉपी थी 219 की, जिसमें सुहेल मंसूर को वोट दिखाया गया था वेबसाइट पे 67, असल में जो इलेक्शन कमीशन की अटेस्टेड कॉपी है उस कॉपी में तकरीबन वोट है 361। कितना फर्क है कि यहां अटेस्टेड कॉपी में जो इलेक्शन कमीशन की है उसमें 361 है, और जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे है जिसमें अटेस्टेशन नहीं है प्रेसाइडिंग ऑफिसर का उसमें 67 है, जिसकी बुनियाद पर रिजल्ट बना था। और दूसरा चौधरी अकरम साहब का है, चौधरी अकरम साहब को 68 वोट मिले हैं, यहां 68 वोट मिला है 219 में। इसी तरीके से मैं आगे आता हूं और मैं एक और हल्का है 220, उसका मैं आपको दिखाता हूं कि जनाब जनाब 220 अनअटेस्टेड जो कॉपी है, ये जो फॉर्म है 220, उस फॉर्म में जो हल्का 239 का है जिसमें सुहेल मंसूर साहब को अनअटेस्टेड कॉपी में मिला है जो वेबसाइट पे है 56 वोट, आप देख रहे होंगे और नीचे आप देखिएगा कि इसमें किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की ना तो अटेस्टेशन है, ना सिग्नेचर है, ना थंब इम्प्रेशन है। और मैंने पहले गजट नोटिफिकेशन भी दिखाया, उसमें क्या लिखा हुआ था, इलेक्शन कमीशन के उस जाब्ते अखलाक में भी दिखाया क्या लिखा हुआ था कि कोई फॉर्म उस वक्त तक कंप्लीट नहीं है जब तक प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सिग्नेचर और थंब ना हो। तो ये 220 का मैंने वो पेज दिखाया, और अकरम साहब को मिले हैं इसमें 15 वोट,